आपसे दो या तीन मुझे बातें करनी है आज, बहुत इम्पोर्टेंट बातें हैं मेरे टूर से रिलेटेड। और ये मेरा इस चैनल पर लास्ट वीडियो है, इसके बाद नो वीडियो। राम राम भाइयों, इस वक्त मैं थाईलैंड में हूँ, आप सभी को पता ही होगा, और आपने इंस्टाग्राम पर भी देखा होगा जेरी चौधरी पर, यहाँ पर रुका हुआ था पिछले दो महीनों से, और काफ़ी सारे वीडियो डाल रहा था मैं, इंस्टाग्राम पर भी डाल रहा था और यूट्यूब पर भी, जो इंडिया टू सिंगापुर जर्नी के जो वीडियोस थे वो अभी तक आ रहे हैं, लगभग एक साल होने को आ गया पूरा। बहुत सारे लोगों को लग रहा है कि अभी भी मैं टूर पर हूँ, सिंगापुर टूर पर, बट वो काफ़ी टाइम पहले ही फिनिश हो चुका था और बीच में कुछ अप्स एंड डाउन्स आए, उसकी वजह से मैं वीडियो नहीं डाल पाया, गाँव में था, फिर बीच में मैंने कुछ वीडियोज़ डाले। तो सबसे पहले मैं आप सभी को सॉरी बोलना चाहूँगा कि मैंने आपको बहुत डिसअपॉइंट किया। बहुत सारे लोग मुझे कमेंट करते थे कि जेरी भाई वीडियो डालो वीडियो डालो, आई एम सो सॉरी भाई लोग, मुझे माफ़ करना उस चीज़ के लिए। और मैंने अभी जो कुआलालंपुर है मलेशिया तक, वहाँ तक के वीडियो डाल दिए हैं और काफ़ी सारा प्यार मिल रहा है, मतलब लोग हैं जो मुझे स्टार्टिंग डे वन से सपोर्ट कर रहे थे वो मुझे आज भी सपोर्ट कर रहे हैं, मैंने वीडियो नहीं डाले तब भी सपोर्ट किया और आगे भी सपोर्ट करते रहेंगे। बहुत प्यारे प्यारे कमेंट और बहुत प्यारे प्यारे मैसेज भेजते थे, थैंक यू सो मच भाई लोग। अब मैंने डिसाइड किया है कि कुछ नया करने का, और आप सभी को पता है मैं थाईलैंड में क्यों हूँ, क्योंकि मैं एक इंडिया टू ऑस्ट्रेलिया एक नया साइकिल टूर स्टार्ट करने वाला हूँ, जो कि बस दो या तीन दिन के अंदर अंदर स्टार्ट हो जाएगा और वो मेरी लाइफ का सबसे बड़ा टूर होगा, यानी अभी तक का सबसे बड़ा टूर, उसके बाद तो पता नहीं कितने बड़े बड़े टूर होंगे। तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ और यहाँ भाई पूरे दिन बारिश होती रहती है, देखो इस गाँव में अभी अभी बारिश रुकी है, सुबह से सोच रहा था वीडियो बनाऊँ, लेकिन अब जाके टाइम मिला कि भाई चलो वीडियो बना ही देते हैं। सो भाई आपसे दो या तीन मुझे बातें करनी है आज, बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं मेरे टूर से रिलेटेड। सो भाई मैं अगला जो टूर है वो 16-17 तारीख को करने वाला हूँ स्टार्ट, यहाँ से बैंकॉक में एक हिंदू मंदिर है, हिंदू समाज मंदिर कुछ करके ऐसा लिखा हुआ था, तो वहाँ पर देखा था, तो वहीं से मैं स्टार्ट करूँगा। कई सारे लोगों से कॉन्टेक्ट किया कि भाई कोई है जो मुझे वहाँ पर मिल सके, फ्लैग ऑफ कर दे, या जो मेरे से मिलने आ जाए भाई लास्ट में, जब टूर स्टार्ट करते हैं थोड़ा सा मोटिवेशन चाहिए होता है, आप लोग तो हमेशा साथ हो लेकिन कोई प्रेजेंट तो सामने खड़ा हो जो फिजिकल रूप से, तो कई काफ़ी किसी का भी वो नहीं आया रिप्लाई ढंग से, चलो कोई नहीं भाई ठीक है, खुद ही स्टार्ट करेंगे हर बार की तरह, कोई अपन वो नहीं रखते किसी से भी कि भाई वो ही आएगा नहीं आएगा, इट्स ओके, कोई आए तो बहुत अच्छा लगता है भाई, दिल खुश होता है, कोई नहीं आता तो भी चलो ठीक है, आप लोगों को बस एक प्यारा सा वीडियो बना के राइड स्टार्ट कर देते हैं। तो पता नहीं दो तीन दिन बाद क्या होगा अभी तो। सो पहली बात तो मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि अब जो टूर स्टार्ट करने वाला हूँ ये ऐसी कंट्री होंगी जिसके अंदर वीज़ा मिलना भी बहुत मुश्किल है, जैसे ऑस्ट्रेलिया का है, बहुत बहुत बड़े बड़े लोगों का रिजेक्ट हो जाता है, लेकिन अपना किसी भैया से कॉन्टेक्ट हुआ तो उन्होंने बोला कि आपको वीज़ा वगैरह की प्रॉब्लम नहीं आएगी। सो देखते हैं कहाँ तक क्या हो पाता है। कुछ कुछ कंट्रीज़ के मेरे पास वीज़ा हैं, जैसे कि कंबोडिया का है मेरे पास में, थाईलैंड का तो है ही, कुछ जगह के अप्लाई कर रखे हैं, उनके अपने आप मिल जाएंगे। सो टूर स्टार्ट हो जाएगा। दूसरी जो चीज़ है वो ये है कि भाई जेरी चौधरी जो यूट्यूब चैनल है वो मैंने कॉलेज के साथ में बनाया था, वो मेरा यूट्यूब चैनल पर लास्ट वीडियो है, इसके बाद मैं वीडियो नहीं बनाऊँगा इस चैनल के ऊपर। और जो अपना नया YouTube चैनल है उसका नाम आप स्क्रीन पर देख लो, द जेरी चौधरी लिखा हुआ आ रहा होगा, इस चैनल के ऊपर अब से मैं वीडियो डालूंगा, जितने भी मेरे वीडियो होंगे वो सारे के सारे इंडिया टू ऑस्ट्रेलिया टूर के, द जेरी चौधरी जो चैनल है, नया चैनल जो मैंने बना दिया है, एक नया वीडियो भी डाल दिया उसके ऊपर, वो जाके आप देख सकते हो, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और लिखा भी हुआ रहा है द जेरी चौधरी, इस पर कंटिन्यू वीडियो आएंगे, हर एक दिन वीडियो आएंगे, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़ो, चाहे मुझे एक जगह दो दिन रुकना पड़े अगर मैं किसी कारणवश नहीं बना पाया, हाँ हालांकि कभी हो सकता है भाई इंटरनेट की प्रॉब्लम हो गई, बिजली की प्रॉब्लम हो गई, चार्जिंग नहीं हो पाया, बारिश में भीग गया, वो अलग बात है, लेकिन कोशिश करूँगा कि हर दिन वीडियो डाल पाऊँ हर एक जगह से, जो जो मैं करता हूँ और जैसे जैसे मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, वीज़ा अप्लाई कैसे करना है, साइकिल को कैसे कैरी करना है, क्या क्या मैं करता हूँ, क्या क्या मैं खाता हूँ, कहाँ कहाँ रुकता हूँ, कैसे लोगों से मैं अप्रोच करता हूँ भाई रुकने के लिए, और कौन से सबसे इजी तरीके हैं जहाँ पर आप रुक सकते हो, और कहाँ से आपको मदद मिल सकती है, कौन से साधन होते हैं जहाँ पर अपने को जिन जिन लोगों से मदद मिल सकती है, वो सारे के सारे द जेरी चौधरी यूट्यूब चैनल पर आपको देखने को मिल जाएंगे। तो आप सभी लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, छोटे भाइयों से, बड़े भाइयों से, शागिर्दों से, जितने भी अपने गुरुजन हैं, कि जितना आपने जेरी चौधरी पर सपोर्ट किया था वैसा ही सपोर्ट आप बनाए रखें,
और जितना जल्दी हो सके आप लोग मुझे सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना, ताकि जल्दी से आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, जो जो चीज़ें मैं करता हूँ वो आपको दिख जाएँ, और आप साथ में जुड़े रहें और मज़ा आता रहे, साथ में जर्नी चलती रहे। आप लोगों के कमेंट्स मैसेजेस एक मोटिवेशन या मोटिवेट करते हैं भाई, तो वो मेरे को मिलता रहे तो मज़ा आ जाएगा। तो प्लीज़ भाई लोग जाओ और जाकर द जेरी चौधरी लिंक है उस पर जाके क्लिक कर दो, जो डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, या आप डायरेक्ट सर्च करके भी कर सकते हो। इंस्टाग्राम सेम रहेगा, जेरी चौधरी। तीसरी जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि भाई जितना हो सके वीडियो शेयर करना। मेरा बजट इस बार बहुत कम है, आपको पता है कि मेरी लाइफ में एक लीलन आ गई है, यानी मेरी जो साइकिल थी पहले मैं डाहौन की यूज़ करता था, वो शहजादी के बाद अब लीलन है दूसरी, जो सरले ब्रांड की है जो मैंने अभी खरीदी है। तो उसमें मेरा लगभग 2 लाख रुपए के आसपास खर्चा हो गया, जो कि एक टूर के लिए काफ़ी होते हैं। पिछली बार भी मेरे पास ज़्यादा पैसे नहीं थे, लोगों का सपोर्ट था, आप लोगों का प्यार था। इस बार किसी का सपोर्ट नहीं है, किसी का वो नहीं है भाई फाइनेंशियली। तो जितना ज़्यादा हो सके भाई वीडियो देखना, क्योंकि उसी से अपना थोड़ा इनकम सोर्स बन पाएगा और हम ट्रैवल कर पाएंगे। और कोई भाई स्पॉन्सर वगैरह अरेंज करवा सकता है तो उसके लिए भी आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि जितना जल्दी हो सके स्पॉन्सरशिप वगैरह दिलवा दो, ताकि अपन लोग टूर अपना ईजिली निकल पाए। और जब तक लास्ट सांस रहेगी, जब तक चलता रहूँगा, जब तक ऐसा नहीं आएगा भाई अब खाने के पैसे भी नहीं बचे हैं, नहाने के लिए भी नहीं बचे हैं पैसे, पीने के लिए भी कुछ नहीं बचा पानी के भी, उस टाइम भाई मैं इंडिया वापस आ जाऊँगा। लेकिन जब तक पैसे रहेंगे तब तक मैं ट्रैवल करता रहूँगा और कोशिश करूँगा भाई कम से कम खर्चे में आपको दिखाऊँ कि कैसे आप ट्रैवल कर सकते हो, कैसे आप जा सकते हो। हालांकि लोगों का बहुत प्यार है, सपोर्ट है, तो आप लोग भी सपोर्ट और प्यार बनाए रखें और मुझे सपोर्ट करें। एक बात और आपसे शेयर करना चाहूँगा, जो मैं इंडिया से सिंगापुर साइकिल टूर किया था उसके जो वीडियोज़ हैं वो भी आपको कुआलालंपुर से आगे देखने को मिल जाएंगे, लेकिन अभी नहीं डाल पाऊँगा, क्योंकि अभी क्या है कि वो सारा रिदम ही टूट जाएगा, फिर वो डालूँगा, टाइम बहुत करीब आ गया है टूर स्टार्ट करने का, तो फिर ना तो मैं वो डाल पाऊँगा ना मैं ये डाल पाऊँगा, बीच में अटक के रह जाऊँगा फिर से। सो आपको वीडियोज़ वगैरह इंस्टाग्राम पर आपने देख ही लिए होंगे और यूट्यूब पर भी आपको बहुत जल्दी मिल जाएंगे, तो प्लीज़ द जेरी चौधरी पर सपोर्ट करें। और ये मेरा इस चैनल पर लास्ट वीडियो है, इसके बाद नो वीडियो।